हरियाणा के पलवल में हुआ हादसा, गाड़ी का टायर फटने से 15 महीने की बच्ची सहित दो की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सड़क हादसा, दो बाइक की आपस में जोरदार टक्कर, हादसे में दो लोगों की मौत। पलवल में रेत से भरे ट्रैक्टर ने 12 साल की बच्चे को कुचला, यमुना की तरफ घूमने गया था बच्चा, मृतक के परिजनों में मातम का माहौल। उत्तर प्रदेश के महोबा में भीषण गर्मी के चलते बढ़ती आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला अस्पताल का मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने निरीक्षण किया, अग्नि सुरक्षा के लिए अस्पतालों में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले के शाहीन बाग में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, इलाके में अफरा तफरी का माहौल, दमकल की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची, बिजली के खंभे से लटक रही तारों की वजह से आग लगी। यूपी के बागपत में स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग, फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने भागकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। मुंबई में शिव सागर होटल के पास लगी आग, कई घंटों बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक लेकर बदमाश फरार, पुलिस बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालात में विवाहिता की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस ने चोरी के 101 मोबाइल बरामद किए, 15 लाख कीमत के बताए जा रहे मोबाइल, मोबाइल चोरों का सुराग अभी तक नहीं लग पाया। यूपी के चंदौली में ऊंट की तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां कुछ तस्कर पुलिस के हाथे चढ़ गए। आपको बता दें, यूपी के रायबरेली में मैनपुरी में गृह कलेश के चलते दंपत्ति ने फांसी लगाकर दी जान, 6 महीने पहले हुई थी शादी, मृतक दंपत्ति के परिजनों ने एक दूसरे पर लगाया हत्या का आरोप।